A very warm good morning, everyone. How are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EVS teacher. Students, आप लोगों को मैम ने कहा था कि मैम आपका टेस्ट लेंगी लेसन थर्ड एंड फोर्थ का. आर यू प्रिपेयर? आर यू रेडी? ओके, सो वी विल स्टार्ट इट. यस, सी हियर, दिस वन इज आर टेस्ट पेपर. क्वेश्चन वन, राइट द नेम ऑफ द पर्सन. यहाँ पर आपको पर्सन्स के नेम लिखने हैं. राइट द नेम ऑफ द पर्सन्स, पर्सन्स के नेम लिखने हैं. डिलीवर्स लेटर्स टू योर हाउस. आपके घर पर लेटर कौन डिलीवर करता है? कौन करता है? राइट हेयर. ओके, ये हाफ मार्क्स का है. ये देखिए बेटा, मैम ने मेंशन भी किया है, हाफ मल्टीप्लाई बाय फोर इज इक्वल टू टू. मतलब ये फोर क्वेश्चंस हैं, हाफ हाफ मार्क्स के हैं ये, और ये टोटल टू मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन आपका. बी, मेंड्स योर शूज़. आपके शूज़ कौन बनाता है? क्लियर, कौन सही करता है, कौन बनाता है? रिपेयर इलेक्ट्रिक थिंग्स. इलेक्ट्रिक थिंग्स को कौन सही करता है? आप यहाँ राइट करेंगी. क्लियर. नंबर फोर्थ, रिपेयर अ लीकिंग टैप. लीकिंग, लीकिंग मीन्स जो बहते हुए, जो ख़राब नल हो जाते हैं या बहते हुए नल होते हैं, उन्हें कौन सही करता है? कौन सही करता है? मैम नहीं बताएंगे, ये आपको लिखना है. ओके, मैम ने बताया था, याद है? ठीक है, तो यहाँ आप राइट डाउन करेंगी. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वन इज यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स वी प्ले. वो गेम जो हम खेलते हैं, इसे तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज इंडोर गेम एंड व्हाट इज आउटडोर गेम. इंडोर, इन मींस अंदर, अंदर खेलने वाली गेम, और आउटडोर मींस बाहर खेलने वाली गेम्स. तो आप लोगों को यहाँ पर थ्री इंडोर गेम्स लिखने हैं. हाउ मेनी? थ्री. एनी थ्री इंडोर गेम्स यहाँ राइट करेंगे. वन, टू एंड थ्री. आउटडोर गेम्स में भी आप लोग थ्री मेंशन करेंगे. वन, टू एंड थ्री. हर गेम्स के हाफ मार्क्स होंगे. हाफ 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 हाफ. ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हुआ थ्री मार्क्स का. क्लियर. इंडोर गेम्स थ्री राइट डाउन करने हैं एंड आउटडोर गेम्स थ्री राइट डाउन करने हैं. क्लियर. ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन इज राइट ट्रू फॉल्स. मतलब आपको राइट करना है ट्रू या फॉल्स, सही या गलत. सोशल वर्कर्स वर्क सेल्फलेसली. जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो अपने मतलब के बिना काम करते हैं. ट्रू और फॉल्स? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा. सो राइट हेयर. क्या आएगा यहाँ पर? ये हाफ मार्क्स का है आपका. मदर लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ द फैमिली. मदर ध्यान देती है अपने परिवार को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनकी फैमिली को किन किन चीज़ों की नीड है, ये मदर ध्यान देती हैं. क्या ये राइट है? सो राइट हेयर. सोशल वर्कर्स एंड द कम्युनिटी हेल्पर्स आर द सेम. सोशल वर्कर और कम्युनिटी हेल्पर्स, क्या ये सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? ओके, अगर ये ट्रू है तो यू राइट हेयर ट्रू. अदरवाइज ये फॉल्स है, सो यू राइट हेयर फॉल्स. द स्पेल ऑफ फॉल्स इज FALSE. ओके, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं FLASE लिख कर. ओके, सो व्हाट्स द स्पेल ऑफ फॉल्स? FALSE. क्लियर. क्वेश्चन फोर्थ, सोशल वर्किंग चिल्ड्रन वर्क्स एज वेयर एज स्टडी इन स्कूल्स. जो सोशल वर्कर्स बच्चे होते हैं वो स्कूल में स्टडी भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? सो राइट हेयर. क्लियर. यस, लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आपको आंसर राइट डाउन करने हैं. व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन?
ये मैम बहुत अच्छे से समझा चुके हो, नहीं किया तो बहुत तेज पिट्टी बनेगी। व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है? मैम ने आपको बताया था किसी भी वर्क को करके अगर हम मनी अर्न करते हैं तो वो हमारा ऑक्यूपेशन है। अगर आप किसी वर्क को कर रहे हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कि आपको वो काम करना अच्छा लगता है तो वो आपकी हॉबी है, बट उस वर्क को करके आप मनी अर्न कर रहे हैं तो वो आपका ऑक्यूपेशन है। क्लियर? जैसे मम्मा अगर आपके घर का वर्क कर रही हैं तो वो उनका हेल्पफुल नेचर है, वो आपकी हेल्प करती हैं, बट अगर एक मेड आकर के आपके घर का वर्क कर रही है तो वो उसका ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वो उस काम को करने के बदले में क्या लेती है? मनी। ओके, तो जब मनी अर्न की जाती है तो वो क्या कहलाई आ जाता है? ऑक्यूपेशन। क्लियर? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है गेम्स खेलना? सो राइट हियर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? बताया था हेल्दी बनना है तो क्या करना है? गेम्स खेलने हैं। मैम ने आपको ये भी बताया था कि आप अपनी मम्मा वगैरहों से पूछना, दादी से, मम्मा से, पापा से, कि ये लोग पहले कितने गेम्स खेलते थे और इनका स्टैमिना भी कितना पावरफुल था। आज आप लोग थोड़ा सा वर्क करके, थोड़ा सा गेम खेल के टायर्ड हो जाते हैं, बट पहले जब ये लोग, इन लोगों का स्टैमिना इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वर्क करते थे, बॉडी को हेल्दी बनाते थे, पावरफुल गेम्स खेलते थे। ये रन करते थे, पिट्ठू खेलते थे, स्किपिंग करते थे, तो ये सारे गेम्स हमारी बॉडी में स्टैमिना बनाते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। सो राइट हियर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? क्लियर? तो ये वाला वर्क आपको करना है। मैम आपको अभी आप इसको करेंगे, 1 आवर का ये आपका टेस्ट पेपर है। क्लियर? ये 10 मार्क्स का है, ये क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है बेटा, ये आपके 1-1 मार्क्स के हैं। अब मैम आपको इसकी आंसर शीट जब आप कर लेंगे उसके बाद, या तो कल या फिर आज शाम तक मैम आपको इसकी आंसर शीट सेंड करेंगे, और आपको सेल्फ चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी अच्छी स्टडी कर रहे हैं और कितनी नहीं। अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो वेरी गुड, और अगर थोड़े कम आते हैं तो बेटा स्टडी और अच्छे से करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, थैंक यू।